बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। स्टूडेंट्स, इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दैट वर टोटल इंटरनली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म एंड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, in this lecture of unit number 12 geometrical optics we will discuss the remaining applications of total internal reflection, that is light pipe, endoscope, and then we will learn about the refraction through prism. In these topics we will discuss how light pipe and endoscope are the applications of total internal reflection, how they exhibit this phenomena, and in the next topic we will discuss how a phenomena of refraction is observed through prism. So let's start. First of all, what is light pipe? A light pipe is a bundle of thousands of optical fiber bounded together. स्टूडेंट्स, आपने ऑप्टिकल फाइबर्स के बारे में पढ़ा कि वो बिल्कुल हेयर लाइक उनका साइज होता है, और जब लाइट एक साइड में कोर से एंटर होती है तो वो डेविएट हुए बगैर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू वो दोबारा कोर में रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है और लाइट थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स तक मूव कर जाती है विदाउट स्मॉल लॉस ऑफ एनर्जी। अब वो जो ऑप्टिकल फाइबर्स हैं, जब वो थाउजेंड्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर का एक बंडल होता है, उन्हें हम बाउंड कर देते हैं आपस में, तो दैट इज कॉल्ड लाइट पाइप। दे आर यूज टू इलिमिनेट द इनएसेसिबल प्लेसेस बाय द डॉक्टर्स और इंजीनियर्स। अब इसका क्या यूज है? इसका ये यूज है कि डॉक्टर्स भी इसको यूज कर सकते हैं और इंजीनियर्स भी, उन प्लेसेस को इल्यूमिनेट करने के लिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इल्यूमिनेशन? रोशन करना। उन प्लेसेस को एक्सेस करने के लिए ये यूज करते हैं जिनको हम बज़ाहिर देख नहीं सकते। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्टर ने अगर ह्यूमन की इन साइड बॉडी में से किसी पार्ट को व्यू करना है तो डॉक्टर कैन यूज लाइट पाइप। अब ह्यूमन बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, किसी में भी कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर सकता है जो हमें आउटसाइड से बिल्कुल भी नज़र नहीं आता, तो दैट्स वाई द डॉक्टर यूज लाइट पाइप टू व्यू द इनसाइड ऑफ ह्यूमन बॉडी। एंड अनदर एडवांटेज ऑफ लाइट पाइप इज दैट दे कैन ऑल्सो बी यूज टू ट्रांसमिट इमेजेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इनके थ्रू हम इमेज को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर भी सेंड कर सकते हैं। ट्रांसमिट करना बहुत ईजी है इमेजेस को विद द हेल्प ऑफ लाइट पाइप। Now what is endoscope? Endoscope क्या है? Endoscope is a medical instrument used for exploratory, diagnostic and surgical purpose. ये भी different diseases को diagnose करने के लिए और surgical purpose के लिए use की जाती है। अब एक endoscope जो है वो क्या करती है? Is used to explore the interior organ of the body. अब हमारी bodies में, मैंने पहले भी आपको बताया कि different organs हैं, stomach है, heart है, kidneys हैं, इसके अलावा भी बहुत से organ हैं जिनमें अगर कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर जाए जिसको आउटसाइड से देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और बाज़ूकात प्रॉब्लम नहीं डायग्नोज हो पा रही होती, तो फिर हम क्या यूज़ करते हैं? एंडोस्कोप को यूज़ करते हैं ताकि हमें इंटीरियर ऑर्गन के बारे में पता चल सके। और अब कैसे हमें पता चलेगा? क्योंकि इसका साइज़ बहुत छोटा है, एंडोस्कोप का साइज़ बहुत ज़्यादा स्मॉल है, हम ईजिली इसको माउथ के थ्रू अंदर बॉडी में इंसर्ट कर लेते हैं एंड दस एलिमिनेट द इन्वेसिव सर्जरी। इन्वेसिव सर्जरी का मतलब है नागवार सर्जरी, जो बहुत मुश्किल होती है वो एलिमिनेट हो जाती है, हमें पता चल जाता है जब हम इसके छोटे साइज की वजह से इसे माउथ के अंदर इंसर्ट कर लेते हैं और बॉडी के इंटीरियर पार्ट्स को देख सकते हैं। देर आर टाइप्स, मैनी टाइप्स ऑफ एंडोस्कोप एंड थ्री टाइप्स आर गिवन, गैस्ट्रोस्कोप, सिस्टोस्कोप एंड ब्रोकोस्कोप। गैस्ट्रोस्कोप इज यूज टू एग्जामिन द स्टमक and the cystoscope is used to examine the bladder and bronchoscope is used to examine the throat. Students, different functions की base पे हमने उनका name suggest कर दिया, जैसे कि gastroscope stomach के लिए use हो रही है, cystoscope bladder को के लिए use हो रही है उसको examine करने के लिए, और हमारे गले के लिए, throat को examine करने के लिए bronchoscope use हो रही है। ये सब endoscope की types हैं। और एक एंडोस्कोप जो है वो करती क्या है? वो use करती है two optical fiber tubes को एक pipe के through, और एक मेडिकल प्रोसीजर जो किसी भी टाइप की एंडोस्कोप को यूज कर रहा है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोस्कोपी। चाहे वो गैस्ट्रोस्कोप को यूज कर रहा है, सिस्टोस्कोप को यूज कर रहा है और ब्रोंकोस्कोप को यूज कर रहा है, दैट प्रोसेस कॉल्ड एंडोस्कोपी। नाउ वर्किंग ऑफ एंडोस्कोप, व्हाट इज द वर्किंग ऑफ एंडोस्कोप?
द लाइट शाइन्स ऑन द ऑर्गन ऑफ पेशेंट टू एग्जामिन बाय एंटरिंग थ्रू वन ऑफ द फाइबर ट्यूब्स ऑफ एंडोस्कोप. अभी मैंने आपको बताया कि एंडोस्कोप दो फाइबर ऑप्टिक्स ट्यूब्स को यूज करिए थ्रू पाइप. तो होता क्या है कि जब हमने किसी पेशेंट के ऑर्गन को, किसी पेशेंट की बॉडी का कोई सा ऑर्गन जिसमें हमें डाउट है कि उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, अगर हम उसे देखना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, एक जो ऑप्टिकल फाइबर ट्यूब है ना, सबसे पहले लाइट शाइन करेगी उसके थ्रू. फिर क्या होगी, जब लाइट अंदर शाइन करेगी तो वो दोबारा जब ट्रांसमिट होके वापस आएगी बैक टू फिजिशियन व्यूज लेंस थ्रू द अदर ट्यूब, एक ट्यूब से एंटर होगी दूसरी ट्यूब से रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी. और ये किस फिनोमेना के थ्रू होगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ताकि लाइट कहीं पे भी डेविएट हुए बगैर अंदर जाए प्रॉपर, और जब ट्रांसमिट होके वापस आए तो प्रॉपर जो प्रॉब्लम है अंदर या किस किस्म की डिजीज अकर कर रही है वो हमें पता चल जाए. अब जो फ्लेक्सिबल एंडोस्कोप्स होती हैं उनके साथ तो कैमरा भी अटैच होता है ताकि डॉक्टर इजिली व्यू कर सके कि अंदर जाके क्या रिकॉर्ड हुआ है ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, बाद में वो कंप्यूटर स्क्रीन पे लगा के ये चेक कर सकते हैं कि अंदर क्या रिकॉर्ड हुआ है. ओके, लुक एट दिस फिगर, द डॉक्टर एग्जामाइनिंग अ पेशेंट विद एंडोस्कोप. यहाँ पे एक डॉक्टर जो है ना वो एक पेशेंट को एंडोस्कोप के थ्रू एग्जामाइन करके कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है या किस जगह पे प्रॉब्लम है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी एक बहुत कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, इसको ईजिली अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल है. अब तो हमारी साइंस ने बहुत ज़्यादा डिवेलपमेंट कर लिया है जिसकी वजह से बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स इस तरह के आ गए हैं. अब जैसे ये एंडोस्कोप है, इस तरह के और भी बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं जिनके थ्रू हम देख सकते हैं कि हमारी बॉडी में किस किस्म के प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहे हैं, ताकि उनके अकॉर्डिंग हमें मेडिकेशन दी जाए और हम ठीक हो जाएं. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म. अब स्टूडेंट्स हमने तो ये देखा था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में कि जो हमारे पास प्रिज्म्स हैं वहाँ पे तो लाइट टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन शो कर रही है, तो फिर रिफ्रैक्शन कैसे होगी प्रिज्म में. तो रिफ्रैक्शन का फिनोमेना प्रिज्म में कैसे होता है, क्योंकि देखें हमारे पास जो राइट एंगल ट्राइंगल प्रिज्म है उनमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, लेकिन बहुत से प्रिज्म ऐसे भी होते हैं जो रिफ्रैक्शन शो करते हैं. अब प्रिज्म होता क्या, एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है जो ऑप्टिकल ग्लास का बना होता है विद एटलीस्ट टू पॉलिश्ड प्लेन फेसेस इंक्लाइन टूवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम विच लाइट रिफ्रैक्टेड, जिसकी दो जो हमारे पास पॉलिश्ड प्लेन होते हैं फेसेस होते हैं वो बिल्कुल इंक्लाइंड होते हैं. इंक्लाइंड होने का मतलब है कि जिस तरह हमारे पास ये फिगर में आपको शो रहेगा, ये जो दोनों पॉलिश सर्फिसेज है एक दूसरे के साथ इंक्लाइंड हुए हुए हैं, ये ए बी और ए सी जो दोनों साइड्स हैं, और यहीं से लाइट रिफ्रैक्ट करती है. अब होता क्या है कि जब हम इसके ऊपर लाइट को इंसिडेंट करते हैं, जब लाइट जाती है, स्टूडेंट्स वंस अगेन रिमेंबर दैट इट इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल प्रिज्म कि ये लाइट को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट करे. ओके, तो जब लाइट हम इसके ऊपर इंसिडेंट करेंगे, ये देखें ये इंसिडेंट रे है, ये जब आके इसके ऊपर टकराएगी, आके प्रिज्म को टकराएगी, तो आपको पता है कि ये एयर से ग्लास में गई है, तो ये जो हमने नॉर्मल ड्रॉ किया ये नॉर्मल की तरफ बेंट करेगी, और फिर जब दूसरे एंड को जाके हिट करेगी तो जाहिरी बात है ये एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, लाइट इसके अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो सकती, उसने दोबारा बाहर भी आना है. तो जब लाइट दोबारा प्रिज्म से बाहर एयर की तरफ मूव करेगी, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आएगी, तो इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से अवे बेंट कर जाएगी. तो इस तरह हमने देखा कि ये इंसिडेंट रे आई और वो रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्रैक्ट हुई, और फिर अगेन वो क्या हुई, दोबारा बाहर चलेगी, जिसको हम इमर्जेंट रे कह रहे हैं. ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, और ये इमर्जेंट रे. यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है कि पी ई जो है वो हमारे पास इंसिडेंट रे है, और फिर ई एफ हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे है, फिर एफ एस हमारे पास इमर्जेंट रे है, और जो हमारे पास ये एंगल ए है वो हमारे पास क्या है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है. यहाँ पे एंगल वन, ये जो एंगल यहाँ पे शोर है, ये वाला एंगल इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ हमारे पास इंसिडेंस है, फिर ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, नेक्स्ट ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, और फिर ये नेक्स्ट जो लास्ट है हमारे पास ये एंगल ऑफ इमर्जेंस है, और ये जो कैपिटल डी है दैट इज द एंगल ऑफ डेविएशन. अब ये एंगल ऑफ डेविएशन हमने यहाँ पे क्यों देखा, क्योंकि अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे लाइट
रिफ्रैक्ट ना होती तो उसका पाथ क्या होता, वो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट जाती, बिल्कुल स्ट्रेट जाती। और यहाँ से भी अगर हम लाइट को अगर यहाँ से इंसिडेंट करवा रहे होते तो ये भी लाइट बिल्कुल स्ट्रेट जाती, रिफ्रैक्ट ना होती। तो इसलिए हमने इसको डॉटेड लाइन से शो किया। जो बैकवर्ड एरो शो हुए हैं वो जिस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं वहाँ पे जो एंगल बनेगा दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन, जिसे हमें पता चलेगा कि लाइट कितने एंगल से डेविएट हो गई है, कितने एंगल से उसने अपना पाथ चेंज कर लिया है। ओके, नाउ यू कैन व्यू दिस प्रैक्टिकली। स्टूडेंट्स लुक एट दिस, दिस इज द इंसिडेंट रे दैट स्ट्राइक्स द प्रिज्म, एंड व्हेन इट स्ट्राइक्स द प्रिज्म इट डेविएट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ एंड गेट रिफ्रैक्टेड, एंड इट इज द रिफ्रैक्टेड रे। एंड द लास्ट वन, दिस रे इज इमर्जेंट रे। स्टूडेंट्स एक और बात, जब प्रिज्म में व्हाइट लाइट आके स्ट्राइक करती है तो वो उसको 7 कलर्स में क्या कर देती है, डिस्पर्स कर देती है। इट इज आल्सो कॉज्ड अ डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ओके, लेकिन इसमें आपको प्रैक्टिकली दिखाने का मकसद ये था कि आपको पता चले कि लाइट आके कैसे एंटर होती है और वो फिर रिफ्रैक्ट हो जाती है और देन अगेन वो स्टॉप नहीं करती, क्योंकि प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है तो वो रे क्या बन जाती है, इमर्जेंट रे, वो दोबारा प्रिज्म से आ जाती है। देखें, पहले हमारे पास मीडियम क्या था, एयर, दैट इज अ रेयरर मीडियम, देन हमारे पास डेंसर मीडियम, एंड देन अगेन वो रेयर मीडियम में आई तो उसकी स्पीड क्या हो गई है, तेज हो गई है। ये बात आपको मैंने पहले भी बताई थी कि रेयरर मीडियम में लाइट की स्पीड फास्ट होती है जबकि डेंसर मीडियम में जाके स्पीड स्लो हो जाती है। आई होप स्टूडेंट्स नाउ यू गॉट इट। सो इट इज टाइम फॉर योर होमवर्क, यू हैव टू लर्न द होल टॉपिक केयरफुली, एंड In the case of any query, you can ask me anytime. Okay, thank you and Allah Hafiz.